नमस्कार, 7 बजे की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बारबाडोस में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले से 7 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 176 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली। अक्षर पटेल ने 47, शिवम दुबे ने 27 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए और हर्षदीप सिंह ने 2, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। और इस जीत के साथ भारत ने 11 साल के ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने इससे पहले 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता है। भारत ने 3 साल बाद कोई विश्व कप जीता है। बता दें 2011 में भारत ने वनडे विश्व कप जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि ये उनका आखिरी T20 विश्व कप है। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने हैं। तो शानदार मैच, और ऐसे में रोहित के रणबांकुरों ने कमाल कर दिखाया और काफी दिलचस्प मैच जो कि आखिरी वक्त तक समा बंधाए रखा और ये शानदार जीत भारत के नाम हुई है। कई ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया, जिसके बाद फाइनल का जो मुकाबला है बेहद खास बना रहा। और अब टीम इंडिया के पास वर्ल्ड कप जश्न का माहौल, पूरे देश में ही रात से ही आतिशबाजी की जा रही है और मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। भारत ने बम्पर जीत हासिल की, तो विश्व विजेता भारत बन चुका है और कल का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है भारत ने। बता दें ये बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत जो टीम इंडिया ने दर्ज की है। इसके लिए पहले से आपने तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरह से जगह जगह पूजन हवन भी हो रहा था और लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। पहले से ही सभी तैयारियां कर बैठे थे कि बस जीत तो सुनिश्चित पहले से ही कर रखी थी सबने। इंतजार था कल रात का कि कब वो घड़ी सामने आएगी जब ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी और हमारे क्रिकेटर्स के हाथ में होगी ये ट्रॉफी और हम अलग अलग जगह पर जश्न मनाएंगे। 26 बार अगर हम जिक्र करें, 26 बार साउथ अफ्रीका के सामने आमने सामने भारत और साउथ अफ्रीका रह चुके हैं और उसमें से पहले 14 बार जो है भारत ने जीत अपने नाम की है। और पहले से ही पलड़ा भारत का भारी था और इस जीत ने और ज्यादा पलड़ा भारी कर दिया। ये ट्रॉफी अपने नाम कर करके सभी को एक बहुत बड़ी खुशी दी है। अलग अलग जगह जश्न हमने देखा, तस्वीरें देखी, आतिशबाजी हमने देखी। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोग झूमते हुए तालियां बजाते, गाना गाते, चीयर अप करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं जब लोग पहले से ही सड़कों पर जमा थे, अपना तैयारियां, व्यवस्थाएं, इंतजाम पहले से ही करे हुए थे कि जैसे ही ये खबर आएगी, जैसे ही हम स्क्रीन पर देखेंगे कि इंडिया जीत गया है, हम ऐसे चीयर अप करेंगे, आतिशबाजी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। और उसके बाद की तस्वीरें बेहद खास, खूबसूरत तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। जो बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस टीम इंडिया का देखने को मिला, इस पर बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर जो है प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है टीम इंडिया को। इससे पहले भी कई बार जब भी मैचेस हुए हैं और टीम इंडिया की जीत हुई है तो बधाई प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विराट कोहली के हाथ में ये वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और वो खुशी, वो उत्साह, वो उमंग देखा जा सकता था कि कितने खुश नजर आ रहे हैं। आंखें तरस गई थी कि आखिर कब वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी और ये पल, ऐतिहासिक क्षण बीते कल देखा गया। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बहुत बड़ी जीत, शानदार जीत, लंबे समय से इसी जीत का इंतजार था, आखिरकार वो हमने पा लिया।
जीत के कई सारे मायने हैं। भारत विश्व कप विजेता बना है, विश्व चैंपियन बनकर उभरा है और एक चीज तय हो चुकी है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बनकर जो है वो सामने आई है। कोई भी टीम हो, पूरे वर्ल्ड कप में आप इंडिया का सिलसिला देखिए, आप इंडिया का सफर देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, बड़े से बड़ी टीमें हो, पाकिस्तान हो, जो हमारी चिर प्रतिद्वंदी मानी जाती है, सबको धूल चटाते हुए वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम ने उठाया। एक भी मैच इस पूरे वर्ल्ड कप के दरमियान इंडिया हारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो बहुत बैलेंस इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रही थी, बहुत मजबूत इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रही थी, क्विंटन डिकॉक आईपीएल के टाइम से लगातार फॉर्म में बने हुए थे, क्लासेन की बात करें तो वो लगातार फॉर्म में बने हुए थे, कल भी हालांकि क्लासेन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया। एक पल वो आ चुका था, अगर आप खासतौर पर 15वें ओवर से लेकर 17वें ओवर तक के बीच में जो जिस तरीके से खेल अफ्रीका ने चलाया है वहां पे डोमिनेट किया, एक महंगा ओवर अक्षर पटेल का आया, क्लासेन ने उनकी जमकर पिटाई की, तो वहां पर लग भी रहा था कि क्लासेन ने अफ्रीका के हाथों में ये पूरा जो मैच है वो डाल दिया, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी वहां पर भारतीय टीम करती हुई नजर आई और एक शानदार जीत दर्ज की। और अफ्रीका जैसी टीम को हराना और वेस्टइंडीज में जिस तरीके की कंडीशंस होती हैं वहां पर इतना अच्छा क्रिकेट खेल पाना बहुत बड़ी बात। कल भारतीय टीम का एक गेम प्लान भी थोड़ा सा गड़बड़ाया था, भारतीय टीम 3 एक्स्ट्रा स्पिनर्स के साथ गई थी और पिच ने अचानक से स्पिनर्स को मदद करना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भारतीय टीम के जो तेज गेंदबाज हैं, तीनों के तीनों तेज गेंदबाजों ने अपना काम किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमेशा की तरह बुमराह की रही। चमत्कारिक गेंदबाज हैं, लीजेंडरी गेंदबाज हैं, दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं और जब टीम को विकेट चाहिए होता है, ब्रेक थ्रू चाहिए होता है तो वो ब्रेक थ्रू दिलाने का काम करते हैं और एक बार फिर बुमराह ने अपना काम किया। अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की, बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो है वो उन्होंने निकाले, लेकिन पांड्या ने जिस तरीके से धोनी की अगुवाई में धोनी की टीम ने कमाल दिखाया था और पाकिस्तान को हराया था और इस बार रोहित शर्मा की टीम ने कमाल दिखाया है। साथ ही साथ यहां पर मैन ऑफ द मैच कोहली भी बने हैं, यहां पर खुशी तो है ही है, साथ ही जो संन्यास की बात कोहली के द्वारा कही गई, एक तरफ खुशी और एक तरफ फैंस में मायूसी भी होगी। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही प्लेयर्स ने T20 से रिटायरमेंट की जो बात है वो कही है और फैंस जरूर ये चाहते हैं कि हमारे जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं, इंडिया को बड़े मैचेस जिताए हैं, बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं, वो हमेशा खेलते रहें। लेकिन एक खिलाड़ी का भी एक दायित्व होता है कि वो अब अपनी भूमिका आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को सौंपे और यही वजह है कि कोहली ने एक बड़ा स्टैंड लिया और इतने बड़े लीजेंडरी प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा हो जिनकी कप्तानी में हम विश्व कप जीते, विराट कोहली हो जिनको दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज गया वासु, रोहित शर्मा को ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले वो बयान भी सुना देते रोहित शर्मा का जब वो काफी कुछ कह रहे थे वर्ल्ड कप जीतने के बाद। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने
आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूं, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मजा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन नहीं, और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं काम करते हैं, एंड देन यू मूव वन और टू फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर, इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे ओवर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इन्जॉय किया है। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। भारत को अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब दिलाने के बाद रोहित ने यह फैसला किया। इसी खिताबी जीत के बाद विराट ने भी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। In 2007, you won the World Cup, and you leaving the game, winning the World Cup. So that's a tailor-made situation for me. Mm-hmm. Best. मतलब मैंने start किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में. Mm-hmm. पहला मेरा चैलेंज था. Obviously मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए. But उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 World Cup खेलने के लिए. और वहाँ पे जीते. Mm-hmm. तो उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल, प्रॉपर सर्किल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है टीम इंडिया की जीत पर, उन्होंने बधाई दी और ट्वीट करके बधाई दी गई है। आपको दिखाते हैं वो ट्वीट भी जिसमें उन्होंने जिक्र किया है ये बड़ी जीत का, भारत की जीत का, और कल का मैच जैसा रहा उसको लेकर के ये ट्वीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, साथ ही साथ उनके द्वारा शुभकामनाएं दी गई है टीम इंडिया को। टीम इंडिया की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बधाई दी गई और ट्वीट किया गया, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम को बधाई, ये उनके द्वारा लिखा गया है, पहली लाइन में आप पढ़ रहे हैं। तो बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी, साथ ही साथ आगे के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है टीम इंडिया को और शुभकामनाएं दी हैं, ये ट्वीट हम आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी टीम इंडिया को बधाई दी गई। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव का ट्वीट, रमन सिंह ने भी बधाई दी है टीम इंडिया को। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्वीट की तस्वीर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी बधाई दी है टीम इंडिया को, उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, साथ ही साथ ये बड़ी जीत दर्ज करने के लिए शुभकामनाएं, बधाई रमन सिंह के द्वारा दी गई है। तो रमन सिंह का ट्वीट आपने देखा, उसमें लिखा था विराट विजय का विश्व कप, अंत में जीत का सूर्य उदय हुआ है, यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनका भी जिक्र किया गया। तो वहीं ये दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब भोपाल की तस्वीरें जहां पर जश्न मनाया गया इंडिया की जीत पर, जोरदार जश्न मनाया गया, ये देखिए तस्वीरें, वहां पर मंत्री भी मौजूद रहे, विश्वास सारंग भी आपने देखे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जनता यहां पर मौजूद है और हाथ में तिरंगा लिए झूमती नाचती नजर आई है, आतिशबाजी करती हुई नजर आई है, चूंकि पहले से इंतजाम किए गए थे यहां पर और टकटकी लगाए हुए सभी फैंस बैठे हुए थे कि कब ये खबर आएगी, कब हम वो तस्वीर देखेंगे जब
ये वर्ल्ड कप हाथ में होगा टीम इंडिया के और ये बड़ी जीत दर्ज टीम करेगी और हम जश्न मनाएंगे। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 1983 में चैंपियन कौन बना, वनडे वर्ल्ड कप की पहली तस्वीर, टी20 वर्ल्ड कप की, 2007 की तस्वीर, ये चैंपियन धोनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप अगर हम जिक्र 2011 का करें तो ये चैंपियन, वही टी20 वर्ल्ड कप 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये कल के चैंपियंस की तस्वीर। पुराने सफर से लेके नया सफर आप देखिए काफी कुछ बदला है। कॉन्फिडेंस हालांकि वैसा ही है और जो विश्वास है वो वैसा ही है, बस चेहरे बदले हैं, कप्तान बदले हैं। जीत के बाद देर रात रायपुर के जय स्तंभ में लोगों ने जमकर जश्न मनाया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जश्न मनाते हुए लोगों की, जो काफी ज्यादा खुश नजर आए। रात 12 बजे मानो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो और बीता एक दिन जो है आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाते हुए लोग एक दूसरे को शोर मचाते हुए, ये खुशी है पूरे हिंदुस्तान की, खुशी है, ये जवाब है तमाम उन देशों को जो कमजोर समझते हैं कि हम किसी से कम नहीं। देखिए तस्वीर बेहद ही खास और उत्साह से भरी तस्वीर, खुशी से भरी तस्वीर, आधी रात को लोग ऐसे जश्न मनाते हुए नजर। देखिए जीत चुका और उसके बाद राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर क्या नजारा है ये तस्वीरें देखिए, रात के आधी रात के बाद की जश्न की तस्वीरें हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं पूरे रायपुर के और तमाम, चाहे आम लोग हों, चाहे खास लोग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त राजधानी रायपुर की, जहां पर खचाखच लोग भरे हुए हैं और पुलिस भी ये व्यवस्था यहां पर संभालती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें जश्न का माहौल और ये पिछले काफी देर से ये माहौल यहाँ पर चल रहा है। पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और आम लोग भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निकल रहे हैं। सर क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? ये जो क्राउड है ना, अनएक्सपेक्टेड क्राउड था, आज इंडिया का मैच था जिसकी वजह से लोग जो है आज सेलिब्रेट करने आ गए हैं। हम उसी को बस मैनेजमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक रुद ना हो और कोई ऐसा भीड़ जो है, ऐसा कोई एक्साइटेड हो के ऐसा कोई लोगों को परेशान ना करे, इसलिए हम यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक की। पूरा छत्तीसगढ़ के इलाकों में ये हालात यहाँ पर है और पूरी जगह यही तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजधानी रायपुर के। लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं, कारों में निकल रहे हैं और जबरदस्त जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, वहां पर भी जश्न कुछ ऐसे ही बनाया गया, ये देखिए चीयर अप करते हुए नजर आए और आतिशबाजी, ये तस्वीरें अंबिकापुर के इस वक्त आप देख रहे हैं। 13 साल के बाद आज भारत वर्ल्ड कप जीता है। 2011 में हम लास्ट वर्ल्ड कप लेकर आए थे 50-50, उसके बाद कई सेमीफाइनल और लास्ट सेमीफाइनल अभी 6 महीना पहले हारे हम। बैटिंग बहुत अच्छा रहा, शुरू में स्पिनरों ने खराब बॉलिंग करी थी लेकिन पिरसों ने आके पूरा जो दबाव बनाया उससे वर्ल्ड कप, और सूर्य कुमार यादव का जो कैच पकड़ा उससे पूरा कप अपने घर आ। और सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, 17 साल का सूखा खत्म हो चुका है, हालांकि आश्वस्त पहले से ही भारत था, सभी क्रिकेट प्रेमी आश्वस्त थे कि ये जीत हमारी ही है, ये वर्ल्ड कप हमारा ही है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 17 साल का सूखा खत्म हुआ, उसके बाद जगह जगह जश्न, चूंकि तैयारियां पहले से ही करके रखी थी, आश्वस्त थे सभी। तो
एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें उससे पहले आप देखिए, बेहद खास क्योंकि उत्साह से भरी ये तस्वीरें, खुशी से भरी ये तस्वीरें और आतिशबाजी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, कि किस तरह से लोगों ने ये जश्न मनाया है। पहले से तैयारियां करके रखी, बड़ी संख्या में पटाखे इकट्ठे करके रखे थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो हैं सड़कों पर लगी थी वहीं पर इकट्ठा होकर के सब देख रहे थे, टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि वीकेंड भी था और लोगों की बड़ी संख्या भी और लोग खुशी से देख ही रहे थे। इंतजार था रात का कि कब वो घड़ी आएगी जब विश्व विजेता भारत बन जाएगा और हम इस तरह से जश्न मनाएंगे। पूरी रात ऐसे ही जश्न मनता रहा, लोग तिरंगा फहराते रहे, खुशी से झूमते रहे, नाचते रहे, आतिशबाजी करते रहे। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते होंगे कि कितनी खुशी भारतीयों में है। ये विश्वास सारंग को भी आप देख रहे हैं, वो भी देर रात पहुंचे, उन्होंने भी तिरंगा फहराया। खुशी हर किसी ने जताई है कि इंतज़ार था कि अब कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए कि ये सूखा अब खत्म हो जाए और ये हो भी गया बिल्कुल। और 7 रनों से क्योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए, फिर साउथ अफ्रीका टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है और इससे पहले भारत ने 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ये 4 तस्वीर आपको इससे पहले के वर्ल्ड कप के दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वो तमाम अहम चेहरे हमारे देश के जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया। इस सूची में रोहित शर्मा कप्तान का भी नाम शामिल हो चुका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।